गाजा में इसराइल के ऑपरेशन पर बड़ी ब्रेक लग सकती है, क्योंकि अब चीन ने ऐसा कदम उठा लिया जिससे अमेरिका तक खौफ फैल चुका है। इसराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर चीन ने ऐसी चाल चली जिसका बड़ा फायदा ईरान को मिलेगा। और समझ लीजिए कि अगर ईरान को इसका फायदा मिलेगा तो लेबनान में हिजबुल्ला को रोकने के लिए इसराइल का कोई हथियार काम नहीं आएगा। तबाही गाजा में हो रही है। गाजा में इजराइल के बम फट रहे हैं। उत्तरी गाजा का कोई मोहल्ला, कोई गली बाकी नहीं बची जो इजराइल के धमाके से गूंजी ना हो। गाजा ने इतनी लाशें पहले भी देखी हैं, लेकिन इस बार तबाही का मंजर और ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। पूरे गाजा में इस वक्त बारूद की बू आ रही है। यहां की आबो हवा में बारूद घुल चुका है। इजराइल का दावा है कि उसकी एयरफोर्स गाजा पर रोज 300 से ज्यादा स्ट्राइक कर रही है, लेकिन गाजा से दूर दुनिया में दो जगह इस युद्ध को कंट्रोल करने के लिए दो वॉच टावर तैयार हो चुके हैं। एक है भूमध्य सागर, जहां अमेरिका ने समुद्री बेड़े तैयार कर दिए हैं, और दूसरा है फारस की खाड़ी, जहां चीन ने अपने 6 जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका इजराइल को बचाने पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ चीन की तैनाती बताती है कि उसने ईरान को सुरक्षित रखने के लिए अपनी मसल पावर दिखानी शुरू कर दी है। चीन की नौसेना अभी तक दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत दिखाती आई है, लेकिन इस बार फारस की खाड़ी में चीन के 6 जंगी जहाजों का पहुंचना बताता है कि गाजा और फिलिस्तीन का युद्ध अब दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर में बदल सकता है। आप बिल्कुल ठीक समझे। ये अब अमेरिका बनाम चीन का युद्ध भी हो सकता है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ आ चुका है। अब चीन ने ईरान के करीब अपने 6 जंगी जहाज पहुंचा दिए हैं, यानी कह सकते हैं कि चीन अब ईरान के साथ है। वैसे बड़ी खबर यह भी है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ऐसे अहम वक्त पर ईरान का दौरा किया है, इसलिए पुतिन ने यह भी बता दिया है कि रूस इस वक्त पूरी तरह ईरान के साथ है। गाजा में इजराइल की बमबारी को देखते हुए ईरान बार बार वार्निंग दे रहा है। इस वक्त गाजा में जितनी भी इमारतें इजराइल की बमबारी में ढहती जा रही हैं, वहां मलबे से बच्चे और बूढ़ों की लाशें निकाली जा रही हैं। ऐसी हर तस्वीर को देखकर फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों का गुस्सा उबाल खा रहा है। गाजा में इस इमारत में रेफ्यूजी रहते थे। जब इजराइल का बम यहां गिरा तो लोग लाशें गिनते गिनते थक गए। अब यहां चारों तरफ मलबा ही मलबा है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस मलबे में कितनी लाशें दबी हुई हैं। सात अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में अब मरने वालों की तादाद 5,000 तक पहुंच चुकी है। इनमें बच्चों की तादाद करीब 2,000 के करीब आ गई है, जबकि गाजा में हुई बमबारी में 14,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा से आ रही तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इस वक्त गाजा में दुनिया की सबसे बड़ी तबाही मची हुई है, और जैसे जैसे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया दो खेमों में तेजी से बढ़ती जा रही है गाजा में तबाही को लेकर। इस बीच रिपोर्ट है कि जर्मनी के स्पेशल फोर्स की एक बड़ी टुकड़ी साइप्रस पहुंच चुकी है। जर्मनी की स्पेशल फोर्स अब साइप्रस में अमेरिका, इटली, नीदरलैंड्स और ब्रिटेन के स्पेशल फोर्स के साथ तैनात रहेंगी। यूरोप की तरफ से ऐसी तैनाती एक तरह से नाटो को भी इस युद्ध में खींच रही है। जर्मनी के स्पेशल फोर्स CSG-9 में दुनिया की टॉप क्लास की कमांडो टीम मानी जाती है।
कहा जा रहा है कि जर्मनी ने इनको इसलिए तैनात किया है क्योंकि बड़े युद्ध के हालात में पश्चिम एशिया में मौजूद जर्मनी के नागरिकों को खतरा हो सकता है और तब ये टीम उनको बचाने के लिए ऑपरेशन में लगाई जा सकती है। जर्मनी के स्पेशल फोर्स CSG-9 बहुत ही आधुनिक हथियारों से लैस होती है और ये बंधकों को रिहा कराने में काफी माहिर मानी जाती है। देखा जाए तो एक तरफ इजराइल का साथ देने वाला अमेरिका और यूरोप है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के साथ ईरान के बाद रूस और चीन भी अब दूसरे गुट के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। चीन की नौसेना वहां पहुंच गई है जहां तैनात रहकर अमेरिका ईरान को धमकाता है। अब चीन की तैनाती के बारे में जान लीजिए क्योंकि इस पर अमेरिका की नजर पड़ चुकी है। चीन के ये 6 जंगी जहाज उसके 44वीं नेवल स्कॉट टास्क फोर्स के हिस्सा है। इसमें सबसे बड़ा नाम है चीन का जंगी जहाज जिब्बो जो टाइप 52 क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। टाइप 052 अमेरिका के आर्लेक बर्क क्लास के डिस्ट्रॉयर से छोटा है लेकिन यह भी बहुत ज्यादा विध्वंसक है। टाइप 052 डिस्ट्रॉयर में 64 वर्टिकल लॉन्च होने वाली मिसाइल लगी होती है जो 200 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह कर सकती है। कुल मिलाकर यह चीन की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट है जो उसने ईरान के पक्ष में दे दी है। चीन की यह टास्क फोर्स अमेरिका का कुछ खास नहीं बिगाड़ सकती लेकिन इसका मौजूद होना ही एक बड़ा संदेश है। वहीं दूसरी तरफ भूमध्य सागर में अमेरिका ने बड़े ऑपरेशन के लिए 2-2 कैरियर तैनात किए हैं। ये ऑपरेशन ऐसे इलाकों में किए जाएंगे जहां से इजराइल के दुश्मनों को दूर रखा जा सके। इसलिए अमेरिका अपना जेराल्ड फोर्ड क्लास का कैरियर और आइजन हावर कैरियर को तैनात कर चुका है। अमेरिका ऐसे ही ऑपरेशन अफगानिस्तान और इराक में भी कर चुका है। ईरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है। इजराइल के लिए भी ये कैरियर बहुत बड़ा युद्ध छेड़ सकते हैं, उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अमेरिका का फोर्ड क्लास कैरियर और आइजनहावर कैरियर ये दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसमें फोर्ड क्लास सबसे नया कैरियर है, इसे CVN-78 भी कहते हैं और ये कैरियर 1,00,000 टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इससे आधे से भी कम वजन का कहा जाएगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलता है यानी इसकी रेंज अनलिमिटेड है और ये दुनिया में कहीं भी आसानी से पहुंच सकता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में चल सकता है और ये एक कैरियर की बहुत अच्छी रफ्तार कही जाएगी। अमेरिका की तरफ से तैनात हुए जेराल्ड फोर्ड और आइजनहावर ये दोनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुप किसी भी नौसेना को अकेले हरा सकते हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस की नौसेना इस इलाके में आए जैसा कि सीरिया में युद्ध के दौरान हुआ था। यही वजह है कि ये दोनों कैरियर फुल एयर पावर के साथ यहां पहुंचे हैं। ये दोनों कैरियर ऐसे हैं जिन पर करीब 3,000 नौसैनिक तैनात किए जाते हैं यानी ये दुश्मनों के लिए भी बहुत बड़ा टारगेट बन सकता है। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इनमें 75 तो सिर्फ लड़ाकू विमान है। अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर सुपर हॉर्नेट विमान तैनात है। इस पर से F-35 स्टेल्थ फाइटर भी ऑपरेट कर सकते हैं और उनको पूरी तरह से तैनात करने की तैयारी की जा रही है। इसराइल को मल्टी फ्रंट पर बचाने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए अमेरिका ने अपना F-35 फाइटर जेट भी तैनात कर दिया है। अब सवाल है कि F-35 का क्या इस्तेमाल होगा? तो जवाब है, उत्तरी इसराइल और लेबनन के बॉर्डर पर इस वक्त युद्ध शुरू हो चुका है। כולל בשעות האחרונות עוד חוליות מחבלים, סך הכל 8 חוליות מחבלים ביממה האחרונה שניסו לשגר טילי נונטט ורקטות, כאשר 7 מתוכם הרגנו עוד לפני שהצליחו בכלל לשגר. מתחילת המלחמה חיסלנו למעלה מ-20 חוליות כאלה של ארגון חיתוך. Hezbollah ne Israel ke kai post ko anti-tank missile se udane ka dawa kiya hai aur iska video bhi jari kiya hai. वहीं इसराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्ला के 14 लड़ाकों को मार दिया है जबकि हिजबुल्ला का कहना है कि उसके 24 लड़ाके अब तक मारे गए हैं। हिजबुल्ला इस वक्त इसराइल को टक्कर देने वाला सबसे बड़ा मिलिशिया बन चुका है जिसको ईरान की भी पूरी मदद मिलती है। بلا الشهيد هو على خط واحد مع باقي الشهداء ومع المنتظرين الى تحقيق النصر وهي معركه حق وباطل
هي معركة حق وباطل أينما كانت أهل الحق واحد وأهل الباطل واحد والحق منتصر قطعا لا محالة دنیا میں بہت سارے خطرناک فائٹر جیٹ ہیں اور آپ کے سامنے ہے دنیا کا سب سے خطرناک فائٹر جیٹ F-35 اس ایک لڑاکو ویمان کی قیمت 1,000 کروڑ روپے کے قریب ہے یہ ایک سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے جو رڈار کی پکڑ میں آسانی سے نہیں آتا اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے دیکھیں سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے کوئی بھی رڈار اس کو ٹریک نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی باڈی پر ایک خاص طریقے کی کوٹنگ ہوتی ہے جو رڈار کی ترنگوں کو سوکھ لیتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو کوئی بھی رڈار آسانی سے ٹریک نہیں کر پاتا اس فائٹر جیٹ کا رڈار اویونکس اور سبھی سینسر دنیا میں سب سے آدھونک بتائے جاتے ہیں یعنی کہ سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے اور اس میں پائلٹ کا جو ہیلمٹ ہے وہ بھی بہت خاص ہے جس کی قیمت 3 کروڑ روپے کے آس پاس کی بتائی جاتی ہے یہ بہت ہی آدھونک ہیلمٹ ہے جس کا استعمال اس کو چلانے کے لیے یہاں پر کیا جاتا ہے تو دیکھیے کتنے آدھونک جو تکنیک ہے اس کا استعمال یہاں پر کیا جاتا ہے سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے کوئی بھی رڈار اس کو آسانی سے ٹریک نہیں کیا جاتا اور اس کا جو ہیلمٹ ہے جو پائلٹ پہنتا ہے وہ بھی بے حد خاص اور مہنگا ہے F-35 में मिसाइल को इसकी बॉडी के अंदर छुपाया जा सकता है इसे इंटरनल बे कहते हैं ताकि दुश्मन को रेडार सिग्नेचर नहीं मिले अमेरिका चाहता है कि उसकी एयर पावर पूरी तरह से बिना किसी चैलेंज के ऑपरेट करे फिर चाहे सामने कोई भी रेडार क्यों ना हो F-35 यही ताकत अमेरिका को देता है दुश्मन के जहाज अगर आसमान में भी आ गए तो F-35 को पहले ही उनके आने की खबर मिल जाएगी इनके विंग्स में 10 रेडियो एंटीना लगे हैं ताकि दुश्मन के रेडार की वार्निंग मिल सके इस विमान का कंप्यूटर सिस्टम ऐसा है जिस पर दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक अटैक नहीं कर सकता है यानी इसे हैक नहीं किया जा सकता इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है अमेरिका ने इसराइल के आसपास यूरोप और बाकी अड्डों पर फाइटर जेट की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है ताकि इसराइल पर कोई हमला न कर सके इसराइल की वायुसेना पहले से ही एक्टिव है और इस कोशिश के बाद इसराइल को अमेरिका से एक नई ताकत मिलेगी और इस युद्ध में इसराइल पुरजोर ताकत के साथ लड़ेगा गाजा पर चढ़ाई के लिए इसराइल की फोर्स ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है गाजा के बाहर इसराइल के टैंक गोले बारूद के साथ खड़े हुए हैं कमांड सेंटर से जैसा ऑर्डर आएगा ये उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे लेकिन गाजा के अलावा बड़ा दबाव लेबनन बॉर्डर पर नजर आ रहा है समझ लीजिए कि इस वक्त गाजा के अलावा इसराइल और लेबनन के बॉर्डर पर जो आग लगी हुई है ये आग कब युद्ध को 10 गुना भड़का सकती है इसके बारे में दुनिया में सिर्फ 4 लोग जानते हैं पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अब शी जिनपिंग वो पांचवें शख्स हैं जो इस युद्ध को कंट्रोल करना चाहते हैं एक तरह से शी जिनपिंग ने अपनी नेवी को उतारकर बड़ा दावा पेश कर दिया है चीन की नौसेना को दक्षिण चीन सागर के अलावा इतनी आक्रामक भूमिका में दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया है इनका पूरा कनेक्शन इसराइल और ईरान की दुश्मनी और हिजबुल्ला को लेकर अमेरिका की तैयारी से है